व्हाट इज ए ड्यूल स्टार्टर? ड्यूल का मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन। मोटर को हम लाइन वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं। जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टार्टर का यूज मोटर के स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए करते हैं। बट ड्यूल स्टार्टर में ऐसा कोई मेथड यूज नहीं करते हैं कि जिससे स्टार्टिंग करंट कम हो, इसलिए इसे ड्यूल स्टार्टर कहा जाता है। ड्यूल स्टार्टर का यूज अप टू 5 HP मोटर के लिए ही किया जाता है। वाई टू यूज, मतलब ड्यूल स्टार्टर हम क्यों यूज करते हैं। पहले नंबर पर रिमोटली ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड नंबर पर ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देने के लिए करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है नो लोड प्रोटेक्शन। नो लोड प्रोटेक्शन क्या होता है, जब मोटर चलता रहता है, सप्लाई चला जाता है, तो फिर सप्लाई आने के बाद सडनली मोटर स्टार्ट ना हो बिना रिसेट किए, यही प्रोटेक्शन देने के लिए हम करते हैं। उसके बाद हम आते हैं सर्किट डायग्राम। जनरली दो तरह के डायग्राम होते हैं, एक पावर डायग्राम होता है और दूसरा कंट्रोल डायग्राम होता है। तो सबसे पहले हम पावर डायग्राम की बात करेंगे। पावर डायग्राम से आपको पता चलता है कि मोटर का कनेक्शन सोर्स से लेकर मोटर के टर्मिनल तक कैसे पहुंचाया जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है कंट्रोल डायग्राम। कंट्रोल डायग्राम आपको यह बताता है कि मोटर का स्टार्टर कैसे काम करता है, ऑन ऑफ फंक्शन कैसे काम करता है, प्रोटेक्शन फंक्शन कैसे काम करता है, स्टार्टर में जितने भी इक्विपमेंट लगे रहते हैं उसका फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, इन सभी के बारे में कंट्रोल डायग्राम आपको बताता है। आज हम बताने जा रहे हैं कि एक ड्यूल स्टार्टर का पावर सर्किट डायग्राम में क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं। सबसे पहले आप लोग फिगर में ध्यान से देखिए, एक फिगर है जिसमें सबसे ऊपर बस बार है, RYB 3 फेज दिखाया गया है। उसके बाद बस बार के बाद आइसोलेटर है, आइसोलेटर के बाद फ्यूज है, फ्यूज के बाद पावर कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के बाद थर्मल ओवरलोड रिले होता है, थर्मल ओवरलोड रिले के बाद मोटर का टर्मिनल दिखाया गया है, 3 फेज मोटर। अब हम बात करने जा रहे हैं ड्यूल स्टार्टर के कंट्रोल डायग्राम के। कंट्रोल डायग्राम में क्या क्या इक्विपमेंट लगे रहते हैं आप लोग फिगर में ध्यान से देखिए। ये सबसे ऊपर फेज दिखाया गया, फेज के बाद एक फ्यूज लगाया गया है, फ्यूज के बाद MCB है, MCB के बाद BMR है, ओवरलोड रिले होता है, उसके बाद स्टॉप बटन है, स्टॉप के बाद एक स्टार्ट बटन है, उसके पैलर में आइजली कॉन्टेक्ट होता है, होल्डिंग एंड कॉन्टेक्ट बोलते हैं, उसके बाद पावर कॉन्टेक्टर दिखाया गया, फिर न्यूट्रल दिखाया गया। मतलब यही मेन मेन इक्विपमेंट है। और ध्यान, हम बात करेंगे ड्यूल स्टार्टर के वर्किंग प्रिंसिपल का। ड्यूल स्टार्टर के वर्किंग प्रिंसिपल में हम 3 मोड का बात करेंगे, एक ऑन ऑफ और थर्ड है ओवरलोड। इसके बारे में हम समझने के लिए हम लोग को सर्किट पे आना पड़ेगा। पहले पावर कंट्रोल पावर सर्किट डायग्राम, दूसरा है कंट्रोल सर्किट डायग्राम। आप लोग दोनों को ध्यान से देखिए। हम पावर सर्किट डायग्राम में आइसोलेटर को ऑन कर लेंगे और कंट्रोल सर्किट डायग्राम में MCB को ऑन कर लेंगे। अब कंट्रोल सर्किट डायग्राम में ध्यान से देखिए, क्योंकि मोटर को चालू करने के लिए कंट्रोल सर्किट डायग्राम का ही यूज करते हैं। उसके बाद MCB को ऑन कर लिए, BMR पे सप्लाई आ गया, BMR से सप्लाई स्टॉप बटन पे आ गया, स्टॉप बटन से सप्लाई स्टार्ट बटन को अगर पुश करेंगे तो कॉन्टेक्टर पे आ गया, कॉन्टेक्टर हो गया पिकअप, कॉन्टेक्टर पिकअप हो गया, सर्किट की सप्लाई कंटिन्यूअस चलती रहेगी, कंटिन्यूअस चलती रहे मोड मतलब मोटर रन कंडीशन में हो गया। अब स्टार्ट बटन को रिलीज करना और मतलब पुश करके छोड़ना होता है, तो इससे क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस होल्ड सप्लाई को होल्ड करने के लिए इस मेन कॉन्टेक्टर पे एक एग्जिलरी कॉन्टेक्टर का प्रयोग करते हैं, जिसे होल्ड ऑन कॉन्टेक्टर बोलते हैं। देखिए स्टार्ट बटन के पैरेलल में लगा रहता है। अब क्या होगा, स्टार्ट करने के बाद अगर इसको छोड़ देते हैं तो
ये सप्लाई होल्ड एंड कंडक्टर के थ्रू कंडक्टर पे आता रहेगा, और कंडक्टर पे आता रहेगा तो मोटर कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ये हो गया स्टार्ट बटन का फंक्शन। अब अगर बाय चांस मोटर को हमें स्टॉप करना है, मोटर को स्टॉप करना है तो स्टॉप बटन को हम पुश करेंगे एनसी से एनओ करेंगे। एनओ अगर करते हैं तो जो स्टॉप बटन है उसका सप्लाई कॉन्टेक्टर पे आएगा, कॉन्टेक्टर हो जाएगा इनर्जाइज, कॉन्टेक्टर इनर्जाइज हो गया उसके बाद कॉन्टेक्टर हो जाएगा ओपन, कॉन्टेक्टर ओपन हो गया, कॉन्टेक्टर ओपन हो गया मोटर हो गया बंद, क्योंकि सर्किट हो गया ओपन, मोटर हो गया बंद। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग ओवरलोड प्रोटेक्शन के बारे में देखेंगे, ओवरलोड प्रोटेक्शन कैसे काम करता है। ओवरलोड प्रोटेक्शन के देखने के लिए हम क्या होता है कि मोटर एक रेटिंग से ज़्यादा करंट लेने लगती है, मोटर जब रेटिंग से ज़्यादा करंट लेने लगती है तो ओवरलोड रिले जो होता है वह ट्रिप हो जाता है। ओवरलोड रिले अगर ट्रिप हो गया तो ट्रिप कैसे होता है, मतलब कि ओवरलोड रिले अगर ओवरलोड एक्स्ट्रा करंट लेने लगता है तो वो ट्रिप हो जाता है और वो कॉन्टेक्टर को सप्लाई दे देता है। कॉन्टेक्टर को अगर सप्लाई दे दिया तो कॉन्टेक्टर हो गया पिकअप, कॉन्टेक्टर पिकअप हो गया तो कॉन्टेक्टर ओपन हो जाएगा, कॉन्टेक्टर ओपन हो गया मतलब सर्किट ओपन हो गया, तो मतलब सर्किट ओपन मोटर बंद। यही तीनों फंक्शन है, आन का फंक्शन, आपका फंक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन का फंक्शन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इन तीनों के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है इसके बारे में, जानकारी के विषय में पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।